सर बच्चों सभी स्टूडेंट्स वर्ड्स प्रॉब्लम को रिवाइज कर लें, बोर्ड्स बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस, सैटरडे संडे दो दिन है तुम्हारे पास, इनका टेस्ट होने वाला है और जो मैं आज की क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा उसका भी टेस्ट होगा, राइट। तो जो भी मैंने आपको असाइनमेंट दी थी बोर्ड स्ट्रीम वाली, जिसमें शायद 18 या 19 क्वेश्चन है कुछ ऐसे ही अकाउंटिंग में, है ना, तो वो उन सभी का टेस्ट होगा। मैं व्हाट्सएप पर भी डाल दूंगा कि कौन कौन सी वीडियो और होमवर्क का टेस्ट होगा। तो सभी बच्चे प्रैक्टिस करें, दो दिन है तुम्हारे पास, एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है, नहीं समझ आता, आप मुझसे पूछोगे, तभी तो पूछोगे ना जब प्रैक्टिस करोगे। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे मुझसे क्या बातें करोगे। अगर ऑफलाइन होता मैं तुम्हें यहां 3 घंटे बिठाता अपने सामने और एक एक बच्चे को वो सारे क्वेश्चन करने पड़ते दो 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 बार, और घर तभी जाते जब वो सारे क्वेश्चन कर लेते। यस, ऐसे ऑफलाइन में प्रैक्टिस अपने सामने करवाता हूं, लेकिन अब मेरा जोर तुम्हारे ऊपर नहीं है। मेरा क्या, तुम्हारी मम्मी डैडी का ही जोर नहीं है तुम्हारे ऊपर। सुनते किसी की हो नहीं, कोई सोफे पर लेटा रहता है, कोई बेड पर लेटा रहता है, कोई बाथरूम में घुसा रहता है ना बच्चों, कोई मेकअप रूम में बैठा रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम अपने सामने रखो, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूं अब्दुल, देखो बच्चों अब्दुल कहां पर है, देखो वर्ड्स प्रॉब्लम में अब्दुल कहां पर है बच्चों, जल्दी से देखो कि अब्दुल कहां। हाँ बच्चों, अब्दुल देखो बच्चों बोर्ड एंड स्ट्रीम वाली असाइनमेंट के अंदर अब्दुल कौन से नंबर पर आता है, शायद 10th नंबर पर आता है अब्दुल। देखो अब्दुल को बच्चों क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं अब्दुल बच्चों। अब्दुल कह रहे हैं बच्चों कि वो 300 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा, उसकी इच्छा है 300 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा और 200 किलोमीटर वो टैक्सी से जाएगा। ये हमें अब्दुल बोल रहे हैं बच्चों। इट टुक हिम 5 hours 30 minutes, 5 घंटे 30 मिनट्स लगते हैं बच्चों उसको अगर वो 300 किलोमीटर ट्रेन से जाते हैं, 200 किलोमीटर टैक्सी से जाते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट लाइन को बोर्ड पर लिखता हूं कि कैसे हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखना बच्चों आप 10th क्वेश्चन बोर्ड सेंस स्ट्रीम वाली असाइनमेंट में, मैं यहाँ पर आरडी लिख रहा हूं अब्दुल। अब्दुल से आपको पता चल जाएगा बच्चों यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो है, मान लो ये गिवन है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस अब्दुल बच्चों ट्रेन से कवर करते हैं। अब इसके बाद 200 किलोमीटर का डिस्टेंस वो टैक्सी से ट्रेवल करता है बच्चों, टैक्सी से वो ट्रेवल करते हैं 200 किलोमीटर का डिस्टेंस टैक्सी से, और टोटल टाइम लगता है बच्चों 5 hours 30 minutes, टोटल टाइम लगा 5 + 30 / 60, 30 मिनट्स को मैंने आर में चेंज करने के लिए बाय 60 कर दिया, 5 + 30 / 60। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर तुम एलसीएम लोगे तो 11/2 hours, 2 5 are 10, 10 + 1 = 11, 11/2 hours लगते हैं अगर वो ऐसे जाता है, ठीक है बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे अब्दुल क्या कह रहे हैं। सेकंड लाइन पढ़ो बच्चों, जिसके पास भी दूसरा मोबाइल है या पेस्ट कर रखी है या आपने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, आप सेकंड लाइन पढ़ो। आगे क्या कहते हैं, बट इफ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो बच्चों 260 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा, 260 किलोमीटर ट्रेन से, और 240 किलोमीटर अगर वो 240 किलोमीटर टैक्सी से जाएगा बच्चों, 240 किलोमीटर अगर वो टैक्सी से जाएगा तो उसको टोटल टाइम लगता है बच्चों, टोटल टाइम लगता है उसको 6 मिनट ज्यादा लगते हैं बच्चों। 6 मिनट ज्यादा का मतलब क्या है बच्चों कि टोटल टाइम उसको लगा 5 + 36, ये पहले 5 hours 30 minutes थे, अब 6 मिनट और प्लस कर दो, ठीक है ना। अब आप इसको सोल्व करो बच्चों, 5 + 36 / 60, भाई आर में तो चेंज करना है ना बच्चों, तो मैंने उसको
छह मिनट फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ टैक्सी। अच्छा बच्चों, अब बच्चों छह मिनट मैंने प्लस कर दिए, इसको सोल्व करते हैं। सिक्स 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 टेन टू थ्री टू फाइव, तो ये हो गया बच्चों एलसीएम लूंगा तो मैं 5 5 25 3 28 5 आवर्स। तो बच्चों सेकंड केस में ये बच्चों केस वन है और ये केस टू है। अब यहां तक किसी भी बच्चों को डाउट है तो बताओ। केस वन केस टू हमने दोनों कर लिए, रेडी बच्चों? क्या किसी बच्चे ने कुछ पूछना है इसमें? ये स्टेप्स क्लियर हैं। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, वो बात मेरी ध्यान से सुनो। अब्दुल 300 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, 200 किलोमीटर टैक्सी से जाता है और उसको टाइम लगता है 5 आवर्स 30 मिनट्स का। 5 आवर्स 30 मिनट्स होते हैं 11/2 आवर्स। नेक्स्ट केस में वो 260 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, 240 किलोमीटर वो टैक्सी से जा रहे हैं, 6 मिनट का टाइम उसको ज्यादा लगता है। तो अब 36 को मैंने 60 से डिवाइड किया क्योंकि मुझे आर में चेंज करने हैं, कटिंग करी बच्चों मैंने, एलसीएम लिया तो 28/5 आवर्स आ गया। अब आप समझ गए होंगे सभी बच्चे कि मुझे ट्रेन की स्पीड बतानी है, टैक्सी की स्पीड बतानी है। तो लेट कर लेते हैं बच्चों कि जो ट्रेन की स्पीड है, बताओ बच्चों एक्स ले लेता हूं मैं, ट्रेन की स्पीड ले लो आप एक्स किलोमीटर पर आवर और टैक्सी की स्पीड ले लो आप वाई किलोमीटर पर आवर। एनी डाउट बच्चों? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, अब बताओ यहां पर टोटल टाइम लिखा हुआ है। एक बात बताओ, तुम्हारे में से मुझे कौन बताएगा? मैंने टाइम का फॉर्मूला बताया था, कौन बताएगा? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? बोलो बच्चों जल्दी बोलो, जो भी समझदार बच्चा बोलो। टाइम इज इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, हाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे बोलो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बच्चों, राइट? यस। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। ये बात बताओ अगर डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो ट्रेन का टाइम आ जाएगा, ए से बी तक का टाइम आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर कितना टाइम लगा वो आ जाएगा तुम्हारा 300 डिस्टेंस अपॉन में एक्स, 300 बाय एक्स, ये आर आ गया बच्चों टाइम। और प्लस में ये टाइम कितना है बच्चों, भाई डिस्टेंस पता है और स्पीड तुमने लेट कर रखी है तो डिस्टेंस कितना है 200 और नीचे क्या कर दोगे वाई, एंड दिस टाइम मस्ट बी इक्वल टू 11/2 आर। दिस टाइम मस्ट बी इक्वल टू 11/2 आर। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताओ, एक इक्वेशन तैयार हो चुकी है। एनी डाउट? कुछ बोल रहे हैं बच्चों? अब नेक्स्ट बच्चों यहां पर कितना टाइम लगा? यहां टाइम लगा 260 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 260 बाय एक्स एंड 240 बाय वाई, भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा 28/5। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई है। किसी बच्चे ने कुछ भी पूछना हो तो बताओ क्योंकि इसके बाद तुम चलेगे, बच्चों ध्यान से सुनो, इसके बाद तुम चलेगे एलिमिनेशन मेथड पर। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं, बच्चे सभी टाइम पर ज्वाइन किया करें, लेट बताया करो। अब सुनो बच्चों, अब्दुल है बच्चों, हमारी कहानी में अब्दुल है। अब जो अब्दुल है बच्चों वो क्या कह रहे हैं? अब्दुल ये कह रहे हैं बच्चों कि वो ट्रेन से जाएगा 300 किलोमीटर, टैक्सी से जाएगा वो 200 किलोमीटर, राइट? अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 300 बाय एक्स प्लस 200 बाय वाई, ये टोटल टाइम आ गया और ये जो टोटल टाइम आया ये 11/2 आवर्स आया, ठीक है? ऐसे बच्चों 260 बाय एक्स प्लस 240 बाय वाई, ये टाइम आ गया और ये टोटल टाइम आया 28/5 आवर्स। ये 28/5 कैसे आया? 5 प्लस 36 मिनट्स, पता चल गया बच्चों सभी को, 36 मिनट्स को मैंने 60 से डिवाइड किया तो ये टाइम आ गया। अब दो इक्वेशन बन चुकी हैं, इनको सोल्व करने मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं सभी बच्चों को, लेट कर लो। लेट 1/x = a एंड 1/y = b, 2 मिनट का टाइम है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूं, करो बच्चों करो, जल्दी करो, फटाफट करो।
फास्ट बच्चों करके दिखाओ इसको। इक्वेशंस बन जाएंगी हमारी, पहली इक्वेशन में 1 by x को जब आप a लिखोगे तो 300a plus 200b is equal to 11 by 2 और यहाँ पर 260a plus 240b 1 by y को मैंने b लिया है is equal to 28 by 5। भाई ऊपर वाले को मैंने इसको a लिया था, इसको b लिया था, ठीक है बच्चों, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सोल्व करने हैं। यस बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट आप देखो इनको सोल्व कैसे करेंगे, कौन तुम्हारे में से बताएगा आसान रास्ता जिससे आंसर जल्दी आ जाए, कोई तुम्हारे में से कौन बताएगा मुझे क्या करना चाहिए, कोई आसान रास्ता तुम्हारे पास है, कुछ कॉमन आ रहे क्या ऊपर से, कॉमन 100 कॉमन आ जाएगा 100 है ना, और नीचे से नीचे से 120 कॉमन आ जाएगा। बोलो बच्चों आप क्या करना चाहते हो, ध्यान से देखना बच्चों बोर्ड पर, जादू बच्चों मैजिक, ध्यान से देखना। एक तो तरीका ये है बच्चों कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, छोटी छोटी पहले कटिंग करूं, बोलो बच्चों इसकी मैं पहले छोटी कटिंग करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई तो 600 हो जाएगा और यहां 400 हो जाएगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं नहीं बच्चों कोई और रास्ता बताओ, 2 वाला तो ये तो गलत है बच्चों, क्या मैं ऊपर वाले को इसको बच्चों 100 से डिवाइड कर दूं, 100 से 100 कॉमन ले लूं बच्चों मैं, तो अंदर आ जाएगा 3a plus 2b is equal to 11 by 2, 3a plus 2b और 11 by 2 100 नीचे चला गया, this is equation number 3। ये समझ आया बच्चों मैंने क्या किया, मैंने 100 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन लेकर मैंने 100 से डिवाइड कर दिया बच्चों, 100 मैंने ऊपर से कॉमन लिया है और 100 उधर चला गया, राइट। ये छोटी क्वेश्चन बन गई ना, देखो ना मैं 300 से 3 पर आ गया, यहां पर 120 कॉमन आ रहा है बच्चों, आ रहे नहीं आ सकता, तो क्या कॉमन आएगा बच्चों, पहले 10 कॉमन ले लो, पहले 10 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर 26 हो जाएगा, यहां 24 हो जाएगा, यहां 28 by 5 हो जाएगा, 26a plus 24b 10 से बच्चों नीचे डिवाइड कर दो, 28 by 50 तो ये हो गया, 4 से कट 2 से कटिंग हो जाएगी बल्कि 14 और 25, यस 4 कटिंग हो रही है बच्चों, और क्या कॉमन आ सकते हैं, और मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं बच्चों, है ना, 2 कॉमन ले लेता हूं तो 2 कॉमन मैंने ले लिया, लो बच्चों वेरी गुड। अब बच्चों मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 13a plus 12b is equal to 14 by 50, मैं यहां मैं कटिंग नहीं कर रहा जानबूझ के क्योंकि मैं वहां 200 देख रहा हूं ना, ये सोचो अब इस इक्वेशन को अगर मैं, अच्छा बच्चों ये आ गई मेरे पास फोर्थ इक्वेशन, 13a plus 12b is equal to 14 by 50, बताओ मुझे दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्यों ना मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फायदा देखो क्या मिलेगा, 6 से मल्टीप्लाई करो, 18a plus 12b 66 by 200 है ना बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन को उठाकर इसके नीचे लगा दो बच्चों, यहां पर लगा दो 13a plus 12b, अब पता चला बच्चों कि ये सारा गेम मैंने क्या खेला है, 12b b सेम हो गया ना बच्चों, माइनस माइनस ये बच्चों कैंसिल हो गया, 18 minus 13 5a 66 by 200 minus 14 by 50, अब बच्चों 66 by 200
माइनस इसका एलसीएम आएगा 200, तो बताओ बच्चों मुझे 200 एलसीएम आ गया 54 जा है ना, और 14 जा 56, और ये हो गया 10 बाई 200 होता है बच्चों 1 बाई 20, तो ए की वैल्यू आ गई 1/5 से डिवाइड कर दो, ए आ गया बच्चों 1/100। क्या तुम्हारे में से किसी बच्चे ने ए की वैल्यू 1/100 मुझसे पहले निकाली थी? जिस बच्चे ने ए की वैल्यू 1/100 निकाली थी वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। कोई है तुम्हारे में से जिसने ए 1/100 निकाल लिया हो पहले, तो उसके लिए क्लैपिंग होगी बच्चों, और नहीं तो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना जब भी आओगे। तो ए की वैल्यू बच्चों 1/100 आ चुकी है, इट्स ओके। अब हम बी निकालते हैं, वेरी सिंपल। देखो बच्चों एरो, मेरा एरो घूमता जा रहा है बच्चों, ए की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तुम कहोगे तो सर आप यहाँ क्यों नहीं पुट कर रहे, मैं ये थोड़ा बड़ा काम है मुझे दिक्कत होगी, मैं यहाँ पुट करने से जल्दी कर लूंगा, राइट। तो ए की वैल्यू बच्चों 1/100 मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पी ए प्लस 2b इज इक्वल टू 11/200। ए की वैल्यू 1/100 पुट कर दो ए की वैल्यू, और प्लस में 2b और 11/200। अब बच्चों 3/100 को आप राइट में ले जाओ, तो 2b इज इक्वल टू 11/200 माइनस 3/100, 2b इज इक्वल टू 8/ एलसीएम। एलसीएम बच्चों 200 एलसीएम आएगा, 11 माइनस 6 हो जाएगा है ना बच्चों, 100 200, तो 2 3 6। अब बच्चों जब मैं इसको सोल्व करूंगा, बच्चों तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, 2b इज इक्वल टू 11 माइनस 6, 5/200, ये बच्चों 1/40 होते हैं, और b की वैल्यू आ रही है 1/80। लो बच्चों a की वैल्यू 1/100 और b की वैल्यू 1/80। याद करो a और b तुमने किसको लेट किया था, याद करो x और 1/x को तुमने a लेट किया था, तो ट्रेन की स्पीड भी आ गई और टैक्सी की स्पीड भी आ गई। यस बच्चों, तो आंसर बच्चों फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b, और a की वैल्यू आ रही है 1/100 और b की वैल्यू आ रही है 1/80। तो x आ गया 100 किलोमीटर पर आवर और y आ गया बच्चों 80 किलोमीटर पर आवर। बताओ ये किसकी स्पीड है, ट्रेन की, और ये किसकी स्पीड है बच्चों, टैक्सी की। तो ये आपका आंसर आ गया। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो अभी डिस्कस करो। यस, एनी डाउट बच्चों, क्या किसी ने कुछ मुझसे बात करनी है, कुछ डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन में? अब तुम कहोगे सर क्या हम इसी मेथड से सोल्व करें? नहीं भाई, तुम किसी भी मेथड से सोल्व करो, जो तुम्हारा मन करता है। आप एलिमिनेशन लगाओ, आप सब्स्टिट्यूशन करो, आप मेन ट्रे कटिंग करो, मत करो भाई मुझे तो आंसर ये चाहिए, x चाहिए 100, y चाहिए 80, मुझे तो आंसर ला कर दिखाओ, ठीक है। अब हम अब्दुल के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखना बच्चों आपको रूही दिखाई दे रही है क्या, आपको अब्दुल के बाद क्या रूही ऊपर है ना, रूही बच्चों, रूही देखो, रूही वाला क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, रूही ट्रेवल्स, सभी को दिखाई दे रहा होगा रूही, ये सोचो आप सभी को रूही वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दूं और रूही वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, 2 मिनट के लिए अपने आप को एनालिसिस करो, नहीं होगा तो मैंने तो समझा नहीं है, पर तुम्हें अपने बारे में पता चल जाएगा। करो बच्चों 2 मिनट का टाइम है, रूही को ढूंढो बच्चों, कहाँ है, देखो कहाँ चली गई है रूही, जल्दी से ढूंढो। ये लो बच्चों वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले बच्चों फर्क बस इतना ही है कि अब्दुल ने डिस्टेंस बता दिया था, रूही ने डिस्टेंस नहीं बताया। रूही ने टोटल बताया कि उसने टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर का ट्रेवल किया है। तो चलिए देखते हैं बच्चों
कि रूही रूही क्या करती है, ये 12th क्वेश्चन है, जो आरडी असाइनमेंट है मेरी, आरडी पीडीएफ ऐसे लिख देता हूं मैं, बोर्ड साइंस स्ट्रीम वाली। तो बच्चों 300 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर, राइट, ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक। ए से बी बच्चों को जा रही है ट्रेन से, यहां पर वो ट्रेन से जा रही है और यहां पर वो बस से जा रही है, और ट्रेन की स्पीड ले लो आप x किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड ले लो आप y किलोमीटर पर आवर, राइट। अब बच्चों उसको रूही को 300 किलोमीटर चलिए वो, she takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by the train, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है तो 240 किलोमीटर वो बाय बस चलेगी, और टाइम लेती है बच्चों 4 आवर्स का, ठीक है, 4 आवर्स का वो टाइम लेती है, एग्री बच्चों। अब मुझे दूसरा केस पढ़ना है, 100 किलोमीटर और 10 मिनट, ये केस 1 हो गया। केस 2 में बच्चों वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन जाएगी, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन जा रही है, तो बच्चों 200 किलोमीटर वो बाय बस जा रही है और टाइम 6 मिनट का ज्यादा लेती है, 4 आवर्स प्लस 6 मिनट्स 6 मिनट ज्यादा, 6 मिनट है ना बच्चों रूही के, रूही ने 10 मिनट 10 मिनट ज्यादा लिए बच्चों, 10 मिनट ज्यादा लिए, 10 मिनट ज्यादा, तो 1/6 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 25/6 आवर, राइट बच्चों। पहले बताओ क्वेश्चन समझ आया, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे क्वेश्चन ही समझ ना आया हो, जल्दी बोलो बच्चों, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्या तुम्हारे में से कोई है, शर्म मत करो भाई, तुम्हारी शक्ल तो मैं देख नहीं पा रहा है ना, कोई सोफे पर लेटा होगा, कोई बेड पर लेटा होगा है? मुझे तो तैयार होना पड़ता है तुम्हारे लिए, कोई बाथरूम में बैठा हो तो नहीं स्टडी कर रहा, या फिर पानी की टंकी के पास है छत पर, ओके बच्चों चलो देखो आप इधर से भी। अब बच्चों केस वन में डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब डिस्टेंस कितना है 60, तो 60 अपॉन में एक्स, ये आ गया टाइम यहां से यहां तक आने का बाय ट्रेन। अब बच्चों प्लस अगर मैं टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड और स्पीड है वाई, और ये टाइम लगा 4 घंटे का, टोटल टाइम 4 आवर्स का लगा। अब इक्वेशन बच्चों बनकर तैयार हो चुकी है, बाद में सोचेंगे कि सोल्व कैसे करना है इसको, चलिए केस 2 पर चलते हैं। 100 बाय एक्स प्लस 200 बाय वाई इज इक्वल टू 25/6, एक और इक्वेशन बनकर तैयार होगी है, इसको और इसको हमें सोल्व करना है और फिर हमारा आंसर आएगा बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करने जैसे पहले किया था। चलिए करते हैं बच्चों, तो 1 by x को बच्चों a ऐड कर लो, 1 by x को आप a ऐड कर लो, 1 by y को आप b ऐड कर लो, तो ये इक्वेशन बन गई बच्चों 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन बन गई 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। इस चैप्टर कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये मुझे रब करना है, ये पोर्शन मुझे रब करना है, किसी ने कोई भी डिस्कस करना हो, मुझसे कोई बातचीत पूछनी हो, कुछ बताओ मुझे, मैं ये रब करने जा रहा हूं। यस बोलो, क्या किसी ने कुछ पूछना है मुझसे, नहीं, चलिए टेस्ट में बच्चों इंटेलिजेंसी जरूर दिखाना अपनी। अक्षय गांव गया भाई, फॉर्म हाउस में हमें लेके नहीं गया, खुद अकेला चला गया। हाँ बच्चों चलो कोई बात नहीं, हाँ अब हमारा काम क्या है बच्चों, देखो अब इधर कि 60a प्लस 240b इक्वल टू 4 है, 100a प्लस 200b क्या करना चाहिए, क्या कहते हो बच्चों आप, 60 कॉमन ले लो ऊपर से और 100 यहां से कॉमन ले लो, चलिए बच्चों यहां से
60 कॉमन ले लेता हूं तो a प्लस 4b इज इक्वल टू 4। मैंने 60 कॉमन ले लिया बच्चों ऊपर से, राइट। अब 60 से आप डिवाइड कर दो, 60 से आप डिवाइड कर दोगे तो a प्लस 4b इज इक्वल टू 4/60, तो 1/15 आ गया। एक इक्वेशन तैयार होगी। यहां से आप 100 कॉमन ले लो तो a प्लस 2b, यहां पर 200 है तो a प्लस 2b और इज इक्वल टू 25/6। आप 100 से डिवाइड कर दो आप तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 25/6 और नीचे 100 से डिवाइड कर दो, 25/4 जा बच्चों, तो ये हो गया 1/24। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/15 और a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/24। ये दो इक्वेशन तुम्हारे पास आ चुकी हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से बच्चों। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस ये उड़ा दिया बच्चों मैंने, 2b इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/24। एलसीएम कितना होगा बच्चों बताना, 15 और 24 का एलसीएम बताओ, बोलो 15 और 24 का एलसीएम बच्चों क्या लिखा बच्चों, बोलो 120 ले लूं, यस बच्चों। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा, क्लियर। तो 15 8 120, यस बच्चों एलसीएम ले लो आप, तो 120 को आप 15 से डिवाइड करो तो 8 आ जाएगा और यहां पर 5 आ जाएगा और ये 3/120 और 3/120 होता है 1/40 और इधर 2b है बच्चों। कोई गलती हो तो साथ से बता देना बच्चों। अब बच्चों 20, अब b की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो, b की वैल्यू 1/80 आ गई। अब ये b की वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहां पर, तो a प्लस 4b की वैल्यू 1/80, राइट, a और यहां पर बच्चों कटिंग कर लो, 1/20 आ गया, 1/20 को उधर ले जाओ, 1/15 माइनस 1/20, ये कटिंग होगी ना बच्चों, 1/20 आ गया। अब आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम इसको हो जाएगा 60, 15 4 जा और 23 जा, ए आ गया बच्चों 1/60। बच्चों ए 1/60 आ रहा है और बी बच्चों 1/80 आ रहा है। कहानी खत्म, रोहित की कहानी खत्म। बच्चों देखो आप, x क्या था बच्चों, 1/x, 1/x हमारा a था और 1/y बच्चों b था, 1/x a आ गया 1/60, 1/b 1/80। तो बच्चों ट्रेन की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और टैक्सी की स्पीड आ गई, बस की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ कि कैसे मैंने कैलकुलेशन की है, किसी भी स्टेप में कुछ पूछना हो तो अभी बताओ। यस बच्चों बोलो, क्या किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? 11th क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बल्कि पहले से ही रजिस्टर पर नोट कर लिया करो सारी वर्ड्स को। तो 11th क्वेश्चन ट्रेन वाले बच्चों, पहले ट्रेन धीरे चल रही है, फिर ट्रेन की स्पीड हमने बढ़ा दी। जब हम ट्रेन की स्पीड बढ़ाएंगे बच्चों तो ऑब्वियस है बच्चों टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस जल्दी ट्रेवल होगा, ठीक है, ओके बच्चों। तो पहले बच्चों सारा डेटा बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ लो, आपको असाइनमेंट आपके पास होगी बच्चों, दूसरे मोबाइल में आप चेक कर लो। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train could have been 10 km per hour faster, अगर मैं ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दूं, तो वो बच्चों 2 घंटे कम टाइम लेगी। And अगर मैं ट्रेन को धीरे कर दूं 10 km per hour से, स्पीड में कम कर दूं, तो बच्चों 3 घंटे ज्यादा टाइम लेगी। To find the distance covered by the train. अब सोचो बच्चों, आपको गोवा जाना है और जल्दी पहुंचना है,
अगर ट्रेन की स्पीड कम कर देंगे बच्चों तो गुस्सा आएगा ना तुम्हें, ऑब्वियस है बच्चों, है ना। चलिए 11th क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल टी वाले क्वेश्चन है। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन ट्रिपल टी वाले ही करवाता हूँ, जितने भी मैंने बच्चों आपको वर्कशीट दी है। नहीं तो बच्चों सोचो, खाली एनसीईआरटी लेकर मैंने चलनी होती तो कब का खत्म हो चुका होता लीनियर इक्वेशन। मैंने आरडी शर्मा की कम से कम भी तुम्हें कम से कम 50 क्वेश्चन करवाए हैं अलग से, ठीक है ना, सारे अच्छे क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना बच्चों आप, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, क्या करें बच्चों आप बताओ। डिस्टेंस लेट कर लेते हैं और स्पीड भी लेट कर लेते हैं। चलो दिल्ली से गोवा चलते हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम दिल्ली से गोवा चलते हैं बच्चों, यहाँ पर ट्रेन खड़ी है और हमें गोवा जाना है, क्या दिल्ली टू गोवा की डायरेक्ट ट्रेन है बच्चों? बताना बच्चों, यस और नो, क्या दिल्ली टू गोवा की डायरेक्ट ट्रेन है? कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा तुम्हारे में से, क्या दिल्ली टू गोवा की डायरेक्ट ट्रेन है क्या? आईक्यू बच्चों, क्या तुम्हारे में से किसी को पता है? मम्मी के साथ ही चिपके रहे ना। अरे बच्चों कुछ नॉलेज रखो, क्या दिल्ली टू गोवा की डायरेक्ट ट्रेन है या नहीं है? किसी को नहीं पता। अब मैं आपको बता दूं, दिल्ली से गोवा की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो बताओ बच्चों, दिल्ली टू गोवा कितने तरीके से जा सकते हो, जल्दी बताओ कितने तरीके, हाउ मेनी वेज, कितने तरीके हैं तुम्हारे पास दिल्ली से गोवा जाने के? मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं। कौन बताएगा तुम्हारे में से कि आप दिल्ली से गोवा कैसे कैसे जा सकते हो? कोई तो बोलो यार, कोई तो बोलो, कोई तो बच्चा होगा समझदार, कोई लड़की समझदार, कोई लड़का समझदार, वंश कभी गोवा नहीं गया क्या? मोक्ष आदित्य हैं? अर्चित ना बोलने की कसम खाई है क्या? हैं? जय हेलो, सो गए यार, रोही ने सुला दिया इनको। अरे बच्चों सो गए क्या? है सो गए थे क्या? हाँ आदित्य कभी गया नहीं है गोवा? तू तेरी मम्मी, तेरी मम्मी लेके नहीं गई गोवा तुझे? अरे यार शर्म आनी चाहिए यार तुझे, यार मम्मी को बोलियो जैसे ही हालात ठीक होंगे गोवा जाने, ओके। हाँ बच्चो घुमा करो, जाया करो इधर उधर, नहीं तो मेरे साथ चलना दिसंबर में, सब हालात ठीक हो जाए, वैक्सीनेशन लग जाएगी तुम्हारे पास, नवंबर तक वैक्सीन सबको लग जाएगी, फिर चलना मेरे साथ। अच्छा बच्चों मैं मजाक कर रहा था, वैसे तुम्हें बता दूं बच्चों कि दिल्ली से गोवा जाने के रास्ते कौन कौन से हैं। आप दिल्ली से बॉम्बे जाओगे बाय ट्रेन जाओ, बाय रोड जाओ, बाय रोड का मतलब है बाय कार, राइट, या बाय बस। तो यहां से बॉम्बे जाओगे, बॉम्बे से फिर गोवा जाने के तीन रास्ते हैं। बॉम्बे से गोवा जाने के तीन रास्ते हैं, कौन कौन से बच्चों? बाय रोड, बाय रोड का मतलब है अपनी कार से जाओ, बस से जाओ। दूसरा या ट्रेन, ट्रेन भी बाय रोड में ले लो आप, ठीक है ना बच्चों। दूसरा बाय एयर भी आप जा सकते हो। तीसरा बाय शिप, वहां पर शिप भी चलती है पानी में बच्चों, पता है ना बॉम्बे में अगर आप शिप में बैठोगे तो वाया शिप भी आप गोवा जा सकते हो। बड़ी प्यारी जर्नी है बच्चों, बॉम्बे टू गोवा बाय शिप। तो जब भी आप गोवा जाना, प्लान ऐसा बनाना कि यहां से आप बॉम्बे जैसे मर्जी जाओ पर बॉम्बे से गोवा बाय शिप जाओ, बहुत मजा आएगा। तो क्रूज चलते हैं ना बच्चों आप, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों सभी, अब हम दिल्ली टू गोवा जा रहे हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों दिल्ली टू गोवा जा रही है, डिस्टेंस ले लो बच्चों x किलोमीटर का, x किलोमीटर का डिस्टेंस ले लो।
और स्पीड ले लो बच्चों, तुम्हारी स्पीड है बच्चों वाई किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है बच्चों। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कितना टाइम लगा बच्चों, ये है टाइम ओरिजिनल, ओरिजिनल टाइम बच्चों, ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल टाइम लग रहा है एक्स बाय वाई आर, यहां तो कोई डाउट, ओरिजिनल टाइम भाई x किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड y है बच्चों, तो ओरिजिनल टाइम कितना हुआ x by yr, x by yr कितना टाइम लगेगा दिल्ली से गोवा जाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, उसने क्या बोला, अगली लाइन पढ़ो, उसने बोले है 10 किलोमीटर से स्पीड बढ़ाया था, 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा रहा हूं तो 2 घंटे का टाइम कम लगेगा, ऑब्वियस है, तो मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं बच्चों। केस वन, केस वन में बच्चों डिस्टेंस से बढ़ेगा, दिल्ली टू गोवा x किलोमीटर का डिस्टेंस, लेकिन जो स्पीड है वो बच्चों मैं 10 से बढ़ा रहा हूं, y प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों, गोवा जाने स्पीड बढ़ा दी है, तो अब टाइम कितना लगेगा बच्चों, t1 टाइम, इसको टाइम t1 बोल दूं पहले वाले को, बोलो ओरिजिनल टाइम t1 और यहां कर देता हूं t2 टाइम लग रहा है बच्चों x अपॉन y प्लस 10, यहां तो कोई डाउट। अब ये बताओ ये टाइम t2 बच्चों कम है ना, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, ये टाइम इससे कम है, कितने घंटे कम है बच्चों, देखो टाइम बच्चों कितने घंटे कम है, 2 घंटे कम है, तो बताओ बच्चों आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे आप, t2 जो टाइम है वो इस t1 टाइम से 2 घंटे कम है, 2 घंटे कम है टाइम, तो ये जो t2 टाइम है वो t1 से 2 घंटे कम है, तो t1 माइनस 2 कर दिया मैंने, x अपॉन y प्लस 10 इज इक्वल टू x अपॉन y माइनस 2 को इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये बन गया 2 इज इक्वल टू x बाय वाई माइनस x बाय वाई प्लस 10, एलसीएम ले लेता बच्चों में, क्या कहते हो आप, कोई फायदा मिलेगा एलसीएम लेने का, x कॉमन ले लो, तुम क्या कहते हो बच्चों, मुझे एलसीएम ले कॉमन लेना चाहिए, इसको सोल्व करना चाहिए, 2 इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेता हूं 1 बाय वाई माइनस वाई 1 बाय दिस 2 इज इक्वल टू एक्स इनटू वाई प्लस 10 माइनस वाई और वाई इनटू वाई प्लस 10 वाई से वाई कैंसिल हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, कोई गलती तो नहीं हो रही बच्चों, 2y इनटू वाई प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स, तो ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है बच्चों, 2y स्क्वायर कैसे आ गया, 2y स्क्वायर प्लस में 20y इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन आ गई, चेक करना बच्चों कोई गलती हुई है क्या, इक्वेशन 1 ये बन रही है बच्चों, अब दूसरी इक्वेशन बनानी है, जरा इसमें एक बार चेक करो क्या कोई मिस्टेक है हमारी बच्चों, तो ये ठीक कर लेना, यहां पर 10 भी था बच्चों, तो 10 इनटू एक्स और अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2y स्क्वायर प्लस 20y स्क्वायर टू 10x आ गया, बिल्कुल ठीक है बच्चों ये, अब मैं केस 1 हटा रहा हूं, अब मैं केस 2 कर रहा हूं, पहले स्पीड ज्यादा हो गई थी, अब मैं स्पीड कम करने जा रहा हूं, ठीक है, अब स्पीड कम करने जा रहा हूं बच्चों, तो कितनी स्पीड कम करनी है देखना बच्चों आप, स्पीड कम करनी है हमने 10 किलोमीटर पर आवर से, 3 घंटे का टाइम ज्यादा लगेगा, अब 3 घंटे का टाइम ज्यादा लगेगा बच्चों, ठीक है, और स्पीड आपने कम कर देनी है, तो केस 2 ले रहे हो बच्चों में कि स्पीड आपने कम कर देनी है, तो यहां y माइनस 10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यहां पर y माइनस 10 हो जाएगा, स्पीड मैंने 10 से कम कर दी है, केस 2 क्या हो गया बच्चों ये, राइट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और यहां पर 3 घंटे ज्यादा टाइम, अब ये वाला जो t2 टाइम है बच्चों 3 घंटे ज्यादा है इस पहले वाले टाइम से, 3 घंटे ज्यादा है, तो यहां पर प्लस 3 कर दूंगा, कोई डाउट, यहां पर माइनस
इस चैप्टर कोई डाउट है तो बताओ। अब बच्चों कोई डाउट है तो बताओ। यस बच्चों ये स्टेप समझ आ गए तुम्हें। देखो मैंने अब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी है। जैसे मैंने स्पीड कम करी है टाइम बच्चों ज्यादा लगेगा। ये T2 टाइम जो है इससे 3 घंटे ज्यादा है पहले वाले टाइम से ज्यादा है। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3 तो यहाँ पर +3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है अब आप क्या करोगे इसको इधर ले आते हैं एक्स अपॉन वाई -10 -x/y। एक्स बच्चों कॉमन ले लो देखते रहना बच्चों क्योंकि तो जरा सी गलती आंसर से बहुत दूर चले जाएंगे हम। वाई -y +10 नीचे वाई इंटू वाई -10 पहले वाली मैंने क्वेश्चन हटा दी मुझे नहीं हटानी चाहिए थी। तुमने बच्चों नोट करी होगी स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब बच्चों वाई से वाई बच्चों कैंसिल हो गया तो इसको सोल्व करने पर आ रहा है बच्चों 10x इज इक्वल टू 3y y -10 10x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर -30y। यार अब क्या करें बच्चों सोल्व कैसे करें। पहले वाली इक्वेशन क्या आई थी बच्चों जरा बताना मुझे कौन बताएगा पहले वाली इक्वेशन क्या आई थी सोल्व करने पर। टेन एक्स आया था ना पहले वाली इक्वेशन आई थी 10x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 20y। ये मैंने सही लिखा है ये चेक कर ले 10x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 20y क्या ये ठीक लिखा बच्चों बोलो बच्चों यही है बोलो बच्चों नोट नहीं किया सभी ने नोट किया है ना 2y स्क्वायर प्लस 20y इक्वल टू 10x तो ठीक है बच्चों फिर और दूसरी क्वेश्चन आई है मेरे पास 10x इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 30y। चलो बच्चों 1 और 2 को सोल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं बच्चों। तुम कहोगे सर एलिमिनेशन नहीं आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो जो तुम्हारा मन करे। देखो 10x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 20y 10x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 30y तो मैंने एलिमिनेशन लगा दिया राइट ये कैंसिल हो गया यहाँ पर जीरो आ गया यहाँ माइनस वाई स्क्वायर आ गया यहाँ पर 50 का वाई आ गया बच्चों माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट में लाओ y स्क्वायर इज इक्वल टू 50y एक y कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ रही है 50 याद करो y क्या थी बच्चों स्पीड तो स्पीड आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर। किसी बच्चे कुछ पूछ रहे हैं y की वैल्यू 50 आ गई बच्चों सॉल्व करने पर देखो आप। अब ये y की वैल्यू 50 आप पुट कर दो बच्चों इक्वेशन 1 में। यस बच्चों किसी कुछ पूछ रहे हैं तो बताओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने की है तुमने y की वैल्यू 50 पुट कर दो बच्चों एनसीईआरटी में भी है ये 10x इज इक्वल टू 2 इनटू यहां पर y की वैल्यू 50 पुट कर दो तो 2 इनटू 50 स्क्वायर प्लस 20 इनटू 50 सॉल्व करो बच्चों 50 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2500 इनटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5000 और प्लस 1000 10x इज इक्वल टू 6000 और x इज इक्वल टू 600 तो डिस्टेंस कितना है बच्चों दिल्ली से गोवा का 600 किलोमीटर ज्यादा है बच्चों ये तो मैं ऐसे में एग्जांपल लिए हैं वैसे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो बच्चों आंसर आ गया फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन 600 किलोमीटर ये आंसर आ गया कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था बच्चों 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था और ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड पूछेंगे तो आप बताओगे 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है क्या किसी बच्चे कुछ पूछ रहे हैं क्योंकि टॉपिक खत्म हो चुके हैं। मैंने ट्रेन की क्वेश्चन भी करवाए मैंने बोर्ड्स वाले क्वेश्चन भी करवाए मैंने डिजिट्स वाले क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने एजेस वाले क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी करवाए हैं और सबके कम से कम 5-5 क्वेश्चन तो तुमने किए ही है। मैंने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने स्विमिंग पूल को कैसे भरते हैं लार्ज डायमीटर स्मॉल डायमीटर वो भी मैंने करवाया
ठीक है, तो चैप्टर बच्चों खत्म हो चुका है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अब तुम कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों, क्योंकि वो इसका बड़ा भाई है। यस बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में है, तो अभी अभी तुम टेस्ट भी करोगे, अभी अभी तुमने क्वेश्चन किए है, तो उस चैप्टर को समझने में आसानी रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही चैप्टर है, सेम डिटो, और काफी बड़ा चैप्टर है। वेटेज बच्चों को चैप्टर छोटे होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, जैसे रियल नंबर मैक्सिमम दो या तीन क्लास में खत्म हो जाता है। कुछ चैप्टर बड़े बड़े होते हैं, प्रोबेबिलिटी तुम्हारा एक क्लास में खत्म कर दूंगा, एक ही क्लास का है वो प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स हमारी दो क्लास की है बस, तो ऐसे कोई चैप्टर बड़ा होता है कोई छोटा होता है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बच्चों, प्रैक्टिस करना, बाय। किसी ने कोई बात करनी है तो बात कर सकते हो आप मुझसे।